हेलो फ्रेंड्स, आज दिन को समाप्त करवा ओटीट एमसीक्यू माराथन सीरीज आउ एक भिडियो सो मुझे स्वागत करुच्छी समस्त को ओटीट प्रिपेरेशन क्लास रे। सो डिस्कशन करवा मैथमेटिक्स इंपोर्टेंट्स एमसीक्यूज जहाँकि आपण एग्जाम पूर्व निहाती भाव हेल्पफुल हो। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन फास्ट को जीवा आम क्वेश्चन कहला निम्नलिखित मध्य क्योंटी शिक्षण कार्य एक उपादान नुहे। ऑप्शन गुड़ी देखने आनंददायी आह्वानमूलक वस्तुनिष्ठ लक्ष्य केंद्रिक जदि शिक्षण कार्य कथा कहगला तेज ये राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ। तेणु वस्तुनिष्ठ शिक्षण कार्य एक उपादान नुहे। जीवा सेकेंड क्वेश्चन उपरकू प्राथमिक स्तर में क्यों शिक्षण पद्धति व्यवहार कराए फ्रेंच पद्धति किंडरगार्डन पद्धति अनुकरण पद्धति उपरोक्त समस्त। प्राथमिक स्तर में साधारणतः किंडरगार्डन पद्धति व्यवहार कराए। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरकू क्वेश्चन 93 भल गणित पुस्तकर अंतर्निहित गुण गुड़िक ऑप्शन ए उपयुक्त अक्षर आकार आकृतिर छपा विषय वस्तुर मनस्तात्विक उपस्थापना भल भाव छपा जाइथिबा अक्षर उपरोक्त समस्त। राइट आंसर आपन सम ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरकू गणित शिक्षण कार्य कौन कले शिक्षण कार्य फलप्रद हेबो पाठ उपकरण दक्षता वृद्धि पई विभिन्न कौशल गणित खेल क्विज उपरोक्त समस्त। आपणको राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर उपरोक्त समस्त। गणित शिक्षण कार्य पाठ्य उपकरण सहित जी आवश्यक खेल क्विज और दक्षता वृद्धि पर कौशल परिमाण में आवश्यक अटे। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरकू गणित शिक्षण कार्य कला बेले निम्न श्रेणी में क्यों काम कले सुफल मिले। तो प्रश्न पचरा गला जो गणित शिक्षण कार्य कराए तेब निम्न श्रेणी में क्यों कार्यटा कले सुफल मिले। मौखिक प्रश्न पचारे लिखित प्रश्न समाधान कराइले पिलामानकर खेल करागले एमानक भितरु कोनोसिटी नुहे। राइट आंसर हिजबो ऑप्शन ए मौखिक प्रश्न पचारे। तेणु मौखिक प्रश्न पचारिबा द्वारा गणित शिक्षण कार्य सुफल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा एकाधिक श्रेणी में गोटे विषय पढ़ाइबारे निम्नलिखित सुविधा मानक मध्यरु केउ सुविधा अधिक मिले। प्रथम ऑप्शन देखिबा सहपाठ्य सहायता जोगाइ देबार सुविधा। द्वितीय ऑप्शन गोटे पाठ्यपुस्तक व्यवहार करिबार सुविधा समान उपकरण व्यवहार करिबार सुविधा समस्त को एक दक्षता स्तर शिक्षार्थी भाव शिक्षा दान सुविधा। तेणु राइट आंसर आपणकर ऑप्शन सी समान उपकरण व्यवहार करिबार सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा केउटी शिक्षण कार्य पद्धतिर लक्षण नुहे। प्रश्न पचरा गला ठीक ऑप्शन गुड़िक भितर आपन को बाछिया पड़ो जे शिक्षण कार्य पद्धतिर केउटी गोटे लक्षण नुहे स्वतःप्रवृत्त भाव अंशग्रहण करिबार सुजोग आग्रह उद्दीपक शिक्षक केंद्रिक। राइट आंसर आपणकर ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रिक। तेणु शिक्षण कार्य पद्धतिर शिक्षक केंद्रिक एक लक्षण नुहे। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरकू बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे ध्यान दिंतु एवं एग्जाम आसला भाई क्वेश्चन टे गणित कसला बेले क्यों क्षेत्र में पिलार त्रुटि परिलक्षित हुए। ऑप्शन गुड़िक देखने नवा प्रश्न को ठीक न बुझी अंक समाधान कले समाधान बेले मिश्रण फेराण गुणन हरण मन दे न कले पिलाटी अन्यमनस्क हो अंक समाधान कले उपरोक्त समस्त। राइट आंसर आपणकर उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जामिति रे कोण मापिला बेले त्रुटि देखा जाए कारण कौन। ऑप्शन ए प्रोट्रैक्टर रे सठिक माप करिबा जणा न थाए प्रोट्रैक्टर व्यवहार जणा न थाए कोण ठीक भावे अंकन होइ न थाए उपरोक्त समस्त। तेणु इहार मध्य राइट आंसर हो जीव उपरोक्त समस्त। कारण जो जामिति रे गोटे पिला कोण मापन करुछि अर्थात से मे भी प्रोट्रैक्टर ठीक भावे ताको माप करिबा जणा नाही किंबा प्रोट्रैक्टर व्यवहार आदमी जणा नाही कि कोण भी से ठीक से अंकन हो पारना बा कोण अंकन ठीक से होना जहाद्वारा कि कोण मापिला बेले त्रुटि देखा जाउछ। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरकू गणित क्यों प्रकार प्रश्नगुड़िक त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव सूचक अनिर्दिष्ट दीर्घ उत्तरमूलक उपरोक्त समस्त। तेज राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्ताव सूचक। तेणु गणित प्रस्ताव सूचक प्रश्नगुड़िक त्रुटिपूर्ण अटे। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरकू एक्स बिलंगस टू क्यू वाई बिलंगस टू क्यू जेड बिलंगस जेड इज लेस दैन जीरो हेले एवं एक्स इज ग्रेटर दैन वाई हेले केउटी सत्य। ध्यान दिंतु एटी कौन कहला जे एक्सटा बिलंगस करुची क्यू को वाई बिलंगस करुची क्यू को जेड जीरो टू लेस दैन ताले एक्सटा वाई टू बड़ ताले केउटी सत्य। एक्स जेड ग्रेटर दैन वाई जेड
एक्स जेड ग्रेटर लेस दैन वाई जेड, एक्स जेड इज इक्वाल टू वाई जेड, एक्स प्लस वाई इंटु जेड इज इक्वाल टू एक्स जेड प्लस वाई। तेणु ये आपंकर राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, एक्स जेड लेस दैन वाई जेड। कहीं जेडटा जीरो ठार सान, ठीक अच्छे जीरो ठार सान मान कौन माइनस, ध्यान दिंतु जीरोटा सान हेले माइनस। तेणु जदि एक्सटा वाई ठार बड़ अटे, बुझेले कि नहीं, एक्सटा वाई ठार बड़ अटे, तेणु आमर द्वितीय केस टी हम राइट आंसर। जा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरको, नेक्स्ट क्वेश्चन देला पार्श्वस्थ आयत क्षेत्र में दैर्घ्य 15 मीटर प्रस्थ 7 मीटर यार मझीरे 2 मीटर ओसार रास्ता जाइछि, तेणु चित्रित अंशर क्षेत्रफल केते। तेणु ए बी सी डी गोटे आयत क्षेत्र देइछि जेउटी दैर्घ्य केते देइछि 15 मीटर प्रस्थ देइछि 7 मीटर ता मझीरे जाइछि 2 मीटर चौड़ार रास्ता टी जाइछि, ताहले चित्रित अंश को देखिकी क्षेत्रफलटी करिबा को पड़िबो। तेणु चित्रित अंशर क्षेत्रफल मान रास्तार भितर जो क्षेत्रफलटी आमको काढ़ीबा पई पड़िबो। ध्यान दियंतु एटी कोन करिबा आमे, ओके भल भाव देखंतु जे गोटे आयत क्षेत्र जेहेतु देइछि ये होउछि केते 15 प्रस्थ होउछि 7, ठीक अच्छे 15 7 तार क्षेत्रफल केते हिजिबो, आयत क्षेत्र क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्थ 15 7 105 अटे, ठीक अच्छे केते हेगला 105। यार मझीरे 2 मीटर ओसारर रास्ता अच्छी, 2 मीटर ओसारर रास्ता डी मझीरे अच्छी, ठीक अच्छे ताहले आमको काढ़ा पड़ो चित्रित अंशर क्षेत्रफल के 2 मीटर चौड़ा रास्ता माने आम कौन करा पड़ो, ये 2 मीटर ये 2 मीटर मान ये 2 मीटर ये 2 मीटर मान ये 2 मीटर, ठीक अच्छे ताल एटी लक्ष्य कर जे ए जो 2 मीटर चौड़ा विशिष्ट आयत क्षेत्र रे प्रस्थ 2 मीटर हो गला दैर्घ्य केते एडी सहित समान, एडी केते 7, तेणु ये क्षेत्रफल केते हिज बैतक जिनस एतक जिनस हिज हमर 7×14। ध्यान दियंत एटी भल भाव बुझंतु, ते वर्तमान आम पाखरे कोन कोन रहिला, प्रथम रहिला ए क्षेत्र क्षेत्रफल केते ना 14, ए क्षेत्र केते हबो 15×30 तो टोटल उपर केते 30 14 44 किंतु ध्यान दियंतु एठी कोन हला ना ये हे गला हमर टोटल जेतिरित अंश क्षेत्रफल 44 हे गला, मात्र एठी दिटन जाक उभय को भेकु क्रॉस ओवर करिछि, देन जेतु क्रॉस ओवर करिछि ताले ये केते ये हला 2 ये 2 2×4, ठीक अच्छे तो माइनस 4 कर दि जाऊ 40 44 रु 4 गले 40 वर्ग मीटर। तेणु राइट आंसर ऑप्शन ए 40 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, क्वेश्चन नंबर 104 एक वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हेले यार सम परिसीमा विशिष्ट आयत क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थ अनुपात 5:3 हेले क्षेत्रफल केते, वेरी सिंपल जिनस जदि गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर होउची ताल तार बाहु केते हिजबो, बाहुर स्क्वायर इज इक्वल टू तार क्षेत्रफल, तेणु बाहु हिजबो 144 रूट ओवर 144 रूट ओवर केते 12, तेणु वर्ग क्षेत्र बाहु केते 12, तार परिसीमा केते हबो 12×4 48, तेणु 48 कार परिसीमा गोटे आयत क्षेत्र आयत क्षेत्र परिसीमा, तेणु जदि गोटे आयत क्षेत्र परिसीमा 48 हुए तेल 48 इज इक्वल टू 2×दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ, दैर्घ्य 5x ये 3x हेल्ला 5×3 8x हो गला 2×8 16x 16x इज इक्वल टू 48 तेल एक्स इज इक्वल टू कैसे 16×3 48 तेणु एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स इज इक्वल टू 3 हेले गोटे हूँ 5x तेणु 5x इज इक्वल टू 5×3 15 गोटे 3x 3×3 इज इक्वल टू 9 तेणु 15×9 135 वर्ग मीटर। तेणु राइट आंसर आपंकर ऑप्शन बी 135 वर्ग मीटर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन उपरको जणके 628 ग्राम लेखा चीनी बांटिले 40 केजी चीनी को केते जण को बांटी हेबो, ध्यान दियंतु जणका केते बांटा है 628 ग्राम लेखा चीनी तो केते टोटल चीनी अछि 40 किग्रा, तेणु चीनी को केते जण भीतर बांटा ताले 1 किग्रा समान 1000 ग्राम, तेणु 40 किग्रा समान 40000 ग्राम, सिंपली आमे हरण कर देले आमर राइट आंसर बाहरि जो राइट आंसर हि जीवो 64। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उपरको 13 मीटर लंबर एक लंबा बाउंस बाड़ी करू 260 सेमी रो केते खंड बाउंस काटी हेबो, वेरी सिंपल जो एठी आपन डिवाइड कर देबे, डिवाइड कर सला पर आपन को राइट आंसर हि जो ऑप्शन 3 सी माने 5।
ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ। ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ 200 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସେଟିଂରେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଯଦି 9 AM ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ? ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା 200 ନମ୍ବର ପାଇଁ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ସିଟିଂ ଅଛି, 2.5 2.5 2.5 2.5 କେତେ ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ବିଶ୍ରାମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ସିଟିଂ ହେଲା ତ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ 5 1 6 ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ସମୟ 9 ହେଲା, 9 AM ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି 9 AM, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 9 6 15 PM ହେଇଯିବ। 15 PM କହିଲେ କେତେ 3 PM। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା, ତା ମାନେ ଏଠି 2ଟା ସିଟିଂରେ 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ପରେ ସେ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ ବା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବିଶ୍ରାମରେ ଯିବନି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମର 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, 9 6 15 15 ହେଲା ଆମର 3 PM, ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 3 PM। ଏଠି 2ଟି ସିଟିଂ ଭାବି 2 ଆଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ମାରାଥନ୍ ସିରିଜ୍ରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛିଟା ପେଡ଼ାଗୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ କେତେଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଲି। ଓକେ, ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ମାରାଥନ୍ ସିରିଜ୍ ମାନେ ହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଥମତଃ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟକେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଜିତ ସାଇନିଂ ଅଫ୍, ସେ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।